हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम अपनी गुरु नीति के 10th एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं लिमिट कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस लास्ट अटेम्प्ट्स में आपको जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस टू एक्स की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3 डिवाइड बाई 3a प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 4x की पावर 1/3। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर a पुट करते हैं तो देखिए ऊपर भी 3a माइनस 3a दैट इज 0, और डिवाइड बाई नीचे भी हमारे सामने क्या बन रहा है, 4a माइनस 4a दैट विल बी 0। तो दैट इज 0/0 फॉर्म। और अगर 0/0 फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने LH रूल का यूज करेंगे और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। और ये हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे सामने या तो 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 1/3 बाहर आएगा हमारा, ये बनेगा ए प्लस टू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, साथ में यहाँ पर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3x की पावर 1/3 अगेन बाहर आएगा और ऊपर आएगा माइनस 2/3 और इंटू यहाँ पर ये बन जाएगा आपके साथ में 3 डिवाइड बाई नीचे भी देखिए ऐसा ही होगा 1/3 बाहर आएगा, ये बनेगा 3a प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज 2/3 और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखिए, तो 1 आएगा माइनस 4x, 4x के अंदर 1/3 बाहर आया तो 4x की पावर माइनस 2/3 इंटू साथ में 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। इसके बाद में देखिए अगर यहाँ पर आप x की जगह पर a पुट करते हैं तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी आपके सामने, सब के अंदर आएगा a की पावर माइनस 2/3, ऊपर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ भी, तो वो तो कॉमन आकर कट जाएगा आपका, सिर्फ नंबर्स बचेंगे। तो क्या नंबर्स बचेंगे, देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर 2 प्लस 1 ए प्लस 2 है, 3 ए बनेगा, ए तो कट जाएगा लेकिन 3 बच जाएगा, सो 3 की पावर माइनस 2/3। ऐसे यहाँ पर आएगा माइनस का, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 3 की पावर माइनस 2/3 डिवाइड बाई नीचे आएगा 1/3 इंटू 4 टू दी पावर माइनस 2/3 और साथ में आएगा माइनस 4/3 इंटू यहां से बनेगा आपके सामने 4 टू दी पावर माइनस 2/3। तो देखिए क्या रहेगा, ऊपर से 3 की पावर माइनस 2/3 को नीचे ले आए और 4 को भी बाहर कॉमन ले लिया तो 4 तो आ जाएगा ऊपर 4 टू दी पावर 2/3 और 3 टू दी पावर 2/3 आ गया आपका नीचे, ठीक है, और साथ में ऊपर बचेगा 2/3 माइनस 1 और नीचे आएगा आपके सामने कितना, 1/3 माइनस 4/3, 1/3 माइनस 4/3। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो देखिए 1/3 बनेगा, ऊपर माइनस 1/3 और नीचे माइनस 1 तो दैट इज 1/3। 4 टू दी पावर 2/3 को लिखा हमने 16 की पावर 1/3 और नीचे वाले को लिखा 9 की पावर 1/3, तो देखिए ये क्या बनेगा, 1/3 इंटू 16 डिवाइड बाई 9 टू दी पावर 1/3। लेकिन देखिए ऐसा में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 16 को लिखते हैं 8 इंटू 2 और देखिए 8 की पावर 1/3 2 हो जाएगा तो वो 2 बाहर आ जाएगा और अब अंदर बचेगा हमारे पास में 2/9 की पावर 1/3 और ऐसा ऑप्शन देखिए हमें जरूर दिया गया है और दैट इज ऑप्शन नंबर 3 और यही हमारा क्या है यहाँ पर सही आंसर है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 1 टू 6 इफ एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 8, एफ डैश ऑफ 2 विल बी 5 एंड एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। क्लियर है, ये डेटा हमें दिया गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 टू 6, देन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है। सो चलिए बात करते हैं
तो सबसे पहले देखिए हमें एफ डैश एक्स के बारे में बात की गई है, हमें टू पर वैल्यू दी गई है और ऑप्शन फाइव में दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको टू से फाइव में इंटीग्रेट करते हैं। टू से फाइव एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, उसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, सो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन को इंटीग्रेट कर दिया टू से फाइव इंटू डी एक्स। तो देखिए कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स, इसमें लिमिट पुट की तो ये बना एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ टू और दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर x आएगा, x में लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो यहां से हमें कंडीशन मिलेगी दैट विल बी एफ ऑफ एफ 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे एफ डबल डैश एक्स को, हमें दिया गया है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो किससे बड़ा है, वो है आपके सामने 4 से ग्रेटर, और इसको हम इसको भी 2 से 5 में इंटीग्रेट किया। क्यों? क्योंकि अगेन मेरे को जो वैल्यू दी गई है वो कहाँ पे दी गई है, वो दी गई है एफ डैश 2 की वैल्यू, और साथ में मेरे को एफ डैश 5 में ऑप्शन दिए गए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा अगेन एफ डैश एक्स आएगा इस बार, तो इस बार ये बनेगा एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 और दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपके सामने 4x और इसमें लिमिट पुट करोगे तो 4 इंटू 5 माइनस 2। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा f डैश ऑफ 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, उधर से 12 और f डैश 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5, सो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखिए वैसे ग्रेटर देन का साइन एक में ही है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ 4 विल बी एफ डैश 5 प्लस एफ ऑफ 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 28 और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर क्योंकि मॉडुलस यूज है तो हम मॉडुलस को हटाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको देखिए पाई पाई 4 प्लस 10 इनवर्स एक्स के पहले हम लिखेंगे जब एक्स माइनस 1 से छोटा होगा, तो एक्स जब माइनस 1 से छोटा होगा तो ये वाली इनइक्वालिटी आएगी और वहां पर आपको क्या मिलेगा, जो मॉड एक्स खुलेगा वो माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ये आएगा माइनस टाइम एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये भी माइनस साइन के साथ खुलेगा और माइनस 1 आपको दिया गया है तो ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर जब एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में है तो आपका ये फंक्शन एज इट इज रहेगा पाई पाई 4 प्लस 10 इनवर्स एक्स। इसी के साथ में अगर हम बात करें जब x ग्रेटर देन 1 है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये बन जाएगा आपके सामने x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं माइनस 1 और 1 पे और उसके बाद डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें एट x इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 जब इसमें पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एफ ऑफ माइनस 1 नेगेटिव ऊपर से कैलकुलेट होगा और माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की अगर हम बात करें एफ ऑफ माइनस 1 पॉजिटिव की तो वो नीचे वाले से कैलकुलेट होगा और इसमें देखिए जब माइनस 1 आप पुट करेंगे तो माइनस 1 पुट करेंगे तो पाई पाई 4 माइनस पाई पाई 4, ठीक है, तो ये भी आपके सामने कितना हो जाएगा, ये भी आपके सामने जीरो हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ माइनस 1 पे वो भी यहीं से आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि बाकी जो पॉइंट्स है वहां पर क्या है। तो अगर हम 1 पे बात करें तो 1 पे देखिए यहाँ पर से वैल्यू आएगी नीचे से, पहले f ऑफ 1 नेगेटिव निकाल लेते हैं तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये पाई पाई 2 होगा और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू बात करूँ, ठीक है, f ऑफ 1 की तो ये 0 होगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है,
तो वन पर फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो सिर्फ वन वाला जो पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स कंटिन्यूअस होता है और लीनियर फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो वन के अलावा बाकी सब पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस रहेगा। तो पहला है बहुत कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल ऑन आर माइनस वन। तो देखिए कंटिन्यूअस तो है आर माइनस वन, बट डिफरेंशियबल है या नहीं अभी हम कह नहीं सकते हैं। तो या तो आपका पहला ऑप्शन सही हो सकता है और साथ में ऐसा बहुत कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल ऑन आर माइनस वन, तो ये तो गलत हो गया। माइनस वन पर तो कैसा है हमारे सामने, कंटिन्यूअस दिया गया है, तो ये गलत हो गया। तीसरा भी गलत हो गया। चौथा भी सही हो सकता है, कंटिन्यूअस आर माइनस वन एंड डिफरेंशियबल आर माइनस वन और वन। तो अब आपको ये चेक करना है कि माइनस वन पर और वन पर फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, और उसके लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं बात। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास पहले वाले से माइनस वन बाई टू, यहाँ से वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आएगी वैल्यू वन बाई टू, ठीक है ना। व्हेन एक्स विल बी लेस देन माइनस वन, व्हेन एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन से वन, और व्हेन एक्स विल बी ग्रेटर देन वन, ठीक है ना, ऐसा मेरे सामने आ रहा है। तो चलिए देखते माइनस वन पर तो नॉन डिफरेंशियबल होगा क्योंकि यहाँ से माइनस वन बाई टू है और यहाँ से आपको वैल्यू वन बाई टू मिलेगी, और साथ में x इक्वल टू वन बाई वन पर अगर बात करें तो x इक्वल टू वन पर देखिए वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन फिर भी फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशियबल होगा। क्यों? क्योंकि वन के ऊपर क्या हो रहा है आपका, वन के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है और उसके बाद में अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो भी आपका फंक्शन कैसा होता है, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। तो इस पर तो हमें करने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ हमें क्योंकि माइनस वन पर कंटिन्यूअस था तो वहां चेक करने की जरूरत थी और वहां पर कैसा आ रहा है, नॉन डिफरेंशियबल। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो सही होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो दोनों सेम आ रहा है फिर भी वन पर डिफरेंशियबल क्यों नहीं है। तो वन पर डिफरेंशियबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पर वन के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर ये दोनों सेम क्यों आ रहे हैं। तो देखिए ये जो मेथड होता है ना डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज जो हमारा जो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना हम उससे करेंगे, और उससे जब आप करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वन पर दोनों डिफरेंट मिलेंगे, क्लियर है। बट वो करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वन के ऊपर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो 100% आपका फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एक लिमिट दी गई है, टी टेंड्स टू एक्स पे निकालनी है, आपको एफ ऑफ वन की वैल्यू ई दी हुई है और आपको एक्स निकालना है जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन है। तो चलिए बात करते हैं, अगर मैं टी की जगह पर एक्स पुट करता हूं तो देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो इसको मैं एलएच रूल यूज कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यहां पर वेरिएबल टर्म क्या है, टी है, ठीक है ना। एक्स यहां पर वेरिएबल नहीं, एक्स तो आपको पुट करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें। तो देखिए कितना आएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, और साथ में रहेगा आपके सामने टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, एफ स्क्वायर एक्स, यहां पर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और साथ में एफ स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन होगा टू टाइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी, और साथ में आएगा एफ डैश टी, और डिवाइड बाय नीचे टी का डिफरेंशिएशन वन और एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखिए इसमें टी की जगह पे एक्स पुट करते हैं, तो टी की जगह पर एक्स पुट करेंगे तो टू एक्स, टू एक्स तो कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी कॉमन आ जाएगा साथ में, तो यहां पर बचेगा आपके सामने एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइम एफ डैश एक्स, ठीक है। अब आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो हो, ठीक है ना, जो है नहीं क्योंकि आपको जैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू e दी हुई है तो हमेशा जीरो है नहीं, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो नहीं सकती, ठीक है, तो ये इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जब जीरो करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है ना, x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ln of fx will be equal to ln of x plus ln c,
तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू सी एक्स, एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू ई दी हुई है, तो इसमें जब वन पुट करेंगे तो ई आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ई इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई। तो अब आपको निकालना है कि जब एफ एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है, जब एफ एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स कितना होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी वन अपॉन सी, और सी की वैल्यू क्या है, ई के इक्वल, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा वन अपॉन ई, क्योंकि आपको वो एक्स निकालना है जब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए। तो एफ एक्स की वैल्यू वन हो गई, मीन सी एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो एक्स कितना आ गया, वन बाई सी, और सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि एफ ऑफ वन की वैल्यू ई है, तो जब यहाँ पर हम वन पुट करेंगे तो ये ई के इक्वल होगा, तो यहाँ से सी इक्वल टू ई आ जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ ऑप्शन, तो दैट विल बी दी करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको दिया गया कि अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए इसके दो रूट्स होंगे, उसमें से पॉजिटिव रूट है आपका अल्फा, तो आपको यह लिमिट निकालनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए इसकी लिमिट की, इसका पॉजिटिव रूट निकालते हैं कितना होगा, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके सामने x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक माइनस वन और एक टू, तो हमें कौन सा निकालना है, हमें टू वाला रूट निकालना है। तो देखिए कितना होगा, वन माइनस कोस पी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एल्फा माइनस फोर। देखिए हम लिमिट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वैसे तो आप इसको मैन्युपुलेट कर सकते हो, लेकिन कभी भी देखिए वन माइनस कोस पी एक्स जो है ना, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर एक्स बाई टू, कब, अगर ये पी एक्स की वैल्यू आपकी जीरो की तरफ टेंड कर रही हो, ठीक है, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन एक साथ क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्लियर, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो वो इसके जो भी आप जब मैन्युपुलेशन वगैरह करते हैं वो सारे, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स को या साइन एफ एक्स अपॉन एक्स को आप एफ एक्स लिख सकते हो, अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी तो, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच जाती है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स इक्वल टू जब टू पुट करेंगे तो, क्योंकि एक्स इक्वल टू टू इसका रूट है, तो पी ऑफ टू की वैल्यू जीरो होगी, और अगर ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और ऐसा अगर लिख सकता हूँ, अल्फा पॉजिटिव पर हम निकाल रहे हैं तो ये मॉडुलस आपका पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और ये बन जाएगा पी एक्स डिवाइड बाई रूट टू। क्लियर है, नीचे है आपके सामने एक्स प्लस अल्फा माइनस फोर, एक्स प्लस अल्फा माइनस फोर। चलिए अब पी एक्स की वैल्यूज पुट कर दीजिए, पी एक्स कितना है आपका, पी एक्स है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और साथ में अल्फा, आपको अल्फा हमने निकाल लिया था, अल्फा इसका पॉजिटिव रूट टू है, तो टू यहाँ पर पुट कर दें, तो ये भी एक्स माइनस टू, और साथ में आपके सामने यहाँ पर कितना है, रूट टू, तो देखिए ये कट गया, और एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया सीधा थ्री बाई रूट टू। इस मैन्युपुलेशन की वजह से आपका क्वेश्चन इतना ईजी हुआ है, नहीं तो आपका क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, आप इसको साइन में कन्वर्ट करते, फिर इसको एक जैसा बनाते, फिर वो सारी चीज़ें करते, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है ना, ये टर्म बहुत जगह पे यूज होती है, और सिर्फ ये नहीं, लिमिट में जहाँ पर भी आपके सामने ऐसी चीज़ें बनती है जो एक दूसरे फॉर्मूलों में कन्वर्ट होती है, अगर आपके सामने अंदर वाला फंक्शन अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, तो हर चीज़ को इस तरीके से आपका मैन्युपुलेट करने का ऑप्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपको बोला गया है कि इफ द फंक्शन दिस इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल देन द ऑर्डर्ड पेयर k1 k2 इज इक्वल टू, अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो k1 k2 की वैल्यू क्या होगी, वो हमें क्या करना है, निकालना है। सो चलिए बात करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने ये है और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो चलिए बात करते हैं, तो इस ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस होगा पाई पे, तो सबसे पहले वहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर ये पाई पर कंटिन्यूस है तो इसमें जब पाई पुट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वो आ जाएगी आपके सामने माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट में जब पाई पुट करोगे तो वो बन जाएगा आपका माइनस का के टू। ठीक है, तो यहाँ से के टू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वन आ गई, ये पहली चीज। अब ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही इस पॉइंट पर, कंटिन्यूटी की हम कंडीशन लगा दी, और जब कंटिन्यूअस होता है तो आप सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो यहां से बनेगा टू टाइम के वन
इंटू एक्स माइनस पाई, माइनस वन का जीरो हो जाएगा और यहां से आएगा माइनस का के टू साइन एक्स। के टू की चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू पाई और एक्स विल बी ग्रेटर देन पाई। तो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स। अब देखिए एफ डैश एक्स सी आ गया, लेकिन इसमें अगर आप पाई पुट कर रहे हो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहां से आपको के वन की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन फिर से देखिए, क्योंकि आपको ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला गया है तो इसमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करें एफ डबल डैश एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी आपके सामने टू के वन, और इसकी वैल्यू आएगी आपके सामने माइनस का के टू कॉस एक्स। अब देखिए जब आप इसमें पाई पुट करेंगे तो ऊपर से मिलेगा आपको टू के वन, और नीचे से पाई जब पुट करेंगे तो k2 की वैल्यू क्योंकि 1 है और cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, सो दैट विल बी इक्वल टू k2 और दैट इज 1। सो k1 कितना हो जाएगा आपका, k1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टू। तो आपका जो ऑर्डर पेयर है उसमें k1 1 बाई टू होगा और k2 1 होगा, और इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है, सही आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड होल माइनस 1। ठीक है ना, देखिए इसके यहां पर इसके बाद में माइनस 1 लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब पूरे में से क्या किया गया है उसको माइनस 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा मोटिव होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है, और रेशनलाइजेशन से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाली टर्म को भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो देखिए ऊपर वाली को थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पर कैलकुलेशन को, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 और डिवाइड के अंदर आ जाएगा आपके सामने कितना, x इंटू, और इसको जब रेशनलाइज करोगे तो ये टर्म आपके सामने यहां पर नीचे आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और होल टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, ऐसा रहेगा e की पावर वाला पार्ट, और साथ में इस पूरे में से आपका क्या हो रहा है माइनस 1। ऐसे नीचे वाले में होगा, ठीक है, नीचे वाले को जब रेशनलाइज करोगे तो नीचे तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और साथ में प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि प्लस, अच्छा यहाँ पर भी प्लस 1 आएगा क्योंकि हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 से। अब देखिए कितना आ रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, एक x कॉमन आकर के कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा आपके सामने x प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा x प्लस एक्स क्यूब, और नीचे जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है आपके सामने, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये बनेगा आपके सामने x जब 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है ना, तो ऊपर तो बन रहा है आपके सामने e टू दी पावर, अच्छा यहाँ पर भी 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर तो बन रहा है आपके सामने x प्लस एक्स क्यूब और डिवाइड बाई, क्योंकि ये इस पूरी लिमिट के मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, तो वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 2 और साथ में आएगा माइनस 1। नहीं, इसको अभी हम, क्योंकि अभी इसके साथ में यहाँ पर माइनस 1 भी है तो इसको एक बार रखना पड़ेगा, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे फंक्शन के क्या होता है, मल्टीप्ली, वैल्यू आप वहीं पुट कर सकते हो तो पूरे फंक्शन के क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो इसको अभी रखिए। So that will be 1 plus x square plus x की power 4 and plus 1 और whole minus 1। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, divide by x square plus x की power 4। इसके बाद यहां पर है आपके सामने, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और that will be equal to 2। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो ना तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रही है वैल्यू, ठीक है ना, x प्लस एक्स क्यूब किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ, और नीचे है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है ना, रेशनलाइजेशन करने के बाद, और ऊपर है आपके सामने कितना, यहाँ पर माइनस 1। ठीक है, तो
अब अगर हम इसको देखें ठीक आगे फिर से, तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर इसमें अगर जीरो पुट कर रहे हैं तो e की पावर जीरो दैट इज वन और फिर माइनस वन, ठीक है ना, वो पूरे में से माइनस वन हो रहा है वहां पर, तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है, और जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, या ये कहें कि ये e की पावर x माइनस वन का फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको अगर आपको मैन्युपुलेट करना है तो क्या करना है, ठीक है, इस पूरी टर्म में से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को हटा सकते हो, क्योंकि e की पावर x माइनस वन अपॉन x जो होता है, या e की पावर x माइनस वन को अगर ये टर्म जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो इसको आप सिर्फ x लिख सकते हो, और इसको देखिए आप जब सिर्फ x लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आपके सामने, अच्छा एक आपके बाहर पूरे में मल्टीप्लीकेशन में भी है x, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर, अब चाहो तो आप इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो दैट इज टू, ठीक है, और साथ में आपके सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस वन तो हट चुका है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर, और बाहर कितना है आपके सामने मल्टीप्लीकेशन के अंदर टू, तो इससे ये पूरा कट जाएगा और टू से टू कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा वन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज यूज की है, आप भी इस चीज का यूज कर सकते हो, कभी भी देखिए e की पावर x माइनस वन, ठीक है ना, जैसे पीछे मैंने यूज की थी, ठीक है ना, इसको आप x लिख सकते हो, या यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, बस ये ध्यान रखें कि ये जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए, और यहाँ पर भी ऐसा ही था, जैसे आपने x को जीरो पुट किया, ठीक है, तो ये पूरी टर्म जीरो की तरफ अप्रोच कर रही थी और e की पावर x माइनस वन का फॉर्मेट है, ठीक है, तो e की पावर x माइनस वन कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक फंक्शन दिया है f of x will be equal to 1 upon mod x if mod x will be greater than equal to 1 और ax square plus b when mod x will be less than 1 is a differentiable at every point of the domain, अपनी डोमेन के अंदर सभी बिंदुओं पर क्या है ये आपके सामने डिफरेंशिएबल है, then the value of a and b respectively, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, तो वही बात देखिए, सबसे पहले अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, तो x equal to 1 के ऊपर अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें तो यहां से मिलेगा हमें 1 x 1 पुट कर दिया सो देयर विल बी इक्वल टू a प्लस b, ठीक है ना, तो a प्लस b का जो सम होगा आपके सामने वो कितना होगा 1 होगा। इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले इसको ब्रेक कर लिया, तो जैसे हमने पीछे किया था ब्रेक वैसे तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये ax स्क्वायर प्लस b होगा ax स्क्वायर प्लस b, अगर x आपका माइनस वन से वन के बीच में, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, माइनस वन से वन के बीच, और इसकी वैल्यू वन बाई x होगी अगर x आपका या तो वन से बड़ा है या फिर अच्छा अलग अलग कर लेते हैं, जब x माइनस वन से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन x, दोनों ही पॉइंट पर आपके सामने क्या बोला गया डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, तो वन और माइनस वन पर भी है, तो इसको कंटिन्यूस की कंडीशन हमने लगा दी, तो इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले वाले पार्ट को, तो ये बन जाएगा टू ए एक्स और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वन पे कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे करो, एक पॉइंट से अपना काम हो जाएगा, इन दोनों को जब वन पुट करके इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा टू ए विल बी इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन बाई टू, और ए को जब माइनस वन बाई टू पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू, और यही आपका क्या है आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ठीक है, इस लिमिट की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, सो चलिए बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट 10 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर से देखिए अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो अगर मैं पुट करता हूं तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ, ठीक है, तो अगर ये पूरी टर्म जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो नीचे से साइन को आप हटा सकते हो, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, बाहर वाला साइन हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका 2 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर अगर देखिए आप लिखे 10 के अंदर अगर थीटा को जीरो पुट करें तो ये टर्म जीरो की तरफ अप्रोच नहीं कर रही है, ये पाई की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है, अगर इसमें जीरो पुट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बचेगा, तो इसको आप नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें,
फिर एक काम करें, साइन कॉस स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा 10 पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। और अब देखिए हमें पता होता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा -10 × π sin² θ। और नीचे है आपके सामने 2π sin² θ। फिर से देखिए, अगेन देखिए ये साइन कहां गायब हुआ, क्योंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो आप इसको हटा सकते हो। अब फिर से देखिए, अगर आप इसमें जीरो पुट करते हो तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो अब आप यहां से 10 को हटा सकते हो। तो जैसे ही यहां से 10 को हटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, देखिए -π sin² θ / 2π sin² θ। तो देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया, इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -1/2, और यही आपका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज हो रहा है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करते हुए आपको बताना है कि ये लिमिट किसके इक्वल होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें ये पता होता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है, ठीक है, वो x-1 से लेकर के x के बीच में होता है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x के इक्वल हो जाती है जब इंटीजर होता है, और या फिर ये इससे कम होता है एक इंटीजर, जैसे अगर 2.7 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है, तो 2.7 मीन्स x माइनस 1 से लेकर के x के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है, वो जितना भी आपके सामने बस वहां पर वो कभी भी x माइनस 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, उससे पहले वाले उस इंटीजर कभी इक्वल नहीं होगा, बट x के इक्वल हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे आपने x के अंदर लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r यूज हो रहा है, तो हम सब जगह पे r यूज कर लेते हैं। ऐसे ही 2r के अंदर लगाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2r किसके इक्वल होगा, दैट इज 2r-1, और इधर से आ जाएगा आपके सामने 2r के इक्वल, और ऐसे ही चलता रहेगा ये आपका nr तक, और nr पर ये किसके इक्वल होगा, nr-1, और इधर से किसके इक्वल हो जाएगा, nr के। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए पीछे वाली साइड से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, उधर से मिलेगा आपको r+2r+n 3r up to nr, ठीक है। तो सब में से अगर मैं अगर देखूं, ठीक है, तो r को अगर कॉमन ले लूं, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है 1+2+3 up to n, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, देखिए r 1+2+3 up to n, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन, ठीक है ना, इस पूरे को मैंने एक बार एक नाम दे दिया, दैट इज t, ठीक है ना, ताकि मेरे को बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है ना, दैट इज t, और साथ में आएगा इधर से r कॉमन लेने के बाद में 1+2+3 up to n तक, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा n × n+1/2 × r, और इधर से इसके ऊपर अगर लगाएं t, तो ये भी वही बनेगा r × n × n+1/2, लेकिन इधर हमने एक चीज को छोड़ दिया, इधर एक -1 -1 भी चल रहा था, ठीक है, तो एक -n भी आएगा इसमें। अब क्या कर दीजिए, अब इसको दोनों साइड में n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें n स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसके बाद में इसमें आपको लिमिट लगानी है n tending to infinity, इधर भी लिमिट n tending to infinity, और यहां पर भी लिमिट n tending to infinity। तो देखिए इस लिमिट को जब कैलकुलेट करोगे, तो जब भी देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डोमिनेटिंग होती है, उसको छोड़ करके बाकी सारी टर्म को क्वेश्चन से हटा दो। तो यहाँ पर देखिए n स्क्वायर आएगा, n आएगा और साथ में माइनस n आएगा, तो n स्क्वायर आपकी डोमिनेटिंग टर्म है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको n स्क्वायर और साथ में जो कॉन्स्टेंट है उसके उसको रखना है, बाकी सबको हटा दो। डिवाइड बाई n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अपॉन n स्क्वायर विल बी, इससे यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर है, इधर भी डोमिनेटिंग फैक्टर कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस n है, तो n स्क्वायर डोमिनेट करेगा, सो n स्क्वायर r डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इधर वाली लिमिट भी r/2 आ रही है, वो भी r/2 आ रही है, ठीक है,
तो दोनों लिमिट r बाई टू आ रही है, तो सैंडविच थ्योरम से हम कह सकते हैं कि t बाई एन स्क्वायर की जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, r बाई टू होगी। क्लियर है? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या पूछा है लेट f बी ए ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइंड ऑन r सच दैट f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 और f डैश x विल बी नॉट इक्वल टू 0, ये सब दिया है आपको। और एक ये फंक्शन दिया गया है fx into f डबल डैश x माइनस f डैश x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 लाइज इन विच इंटरवल। ठीक है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई कर रही है ये आपको चेक करना है। सो चलिए बात करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बोला गया है, देखिए ये ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है और देखिए f डैश x विल बी नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर दिया इससे दोनों साइड f डैश x से, या ये देखा कि ये हमें डिफरेंशिएशन लग रहा था किसका, एफ एक्स अपॉन एफ डैश x का। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ एक्स अपॉन एफ डैश x। अच्छा, एफ डैश x को ही नीचे क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए हमें दिया हुआ कि एफ डैश x नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा एफ डैश x और इंटू एफ डैश x, तो ये रहा, और नीचे वाले क्या करेगा तो एफ डबल डैश x इंटू एफ x, वो ये रहा। लेकिन आप कहोगे कि माइनस साइन तो उसमें आता है तो इक्वल टू में 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ठीक है ना, ये इस चीज का डिफरेंशिएशन है, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे इसको बोथ साइड तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसके इंटीग्रेशन से आपको मिलेगा एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपको दो वैल्यूज दी हुई है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर देखिए ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी आपको, c विल बी इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से मिलेगा आपको एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, एफ डैश अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1/c और दैट विल बी इक्वल टू 2। इसको वापस इंटीग्रेट किया तो इस बार मिलेगा हमें ln एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस सी डैश। ठीक है ना, एक बार फिर इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, फिर से x इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो इस बार c डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से आपको एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी e की पावर 2x। तो ये आपका क्या है, फंक्शन है एफ एक्स। अब आपको क्या बोला गया है, फॉर x belong to real number, then the value of f of 1, तो f of 1 की वैल्यू कहाँ, कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, तो ये है देखिए f of 1 है आपका e square, और e की वैल्यू 2.7 होती है, तो ये 7 point something आती है। ठीक है, लेकिन आपका एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 7 के लगभग आएगा जो नंबर, जो आपका कौन से इंटरवल में लाई करेगा, 6 से 9 में लाई करेगा, और आपका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है लेट एफ आर से आर बी डिफाइंड, एक एफ आर से आर में डिफाइंड फंक्शन है इस तरीके का, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, ठीक आर, ठीक है ना, ये आर में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो देन a प्लस बी इक्वल टू, तो a प्लस बी का सम किस चीज के इक्वल होगा, तो देखिए अगर ये r में कंटिन्यूअस है तो सीधी सी बात है माइनस वन और वन पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो बात करते हैं कि माइनस वन पर कंटिन्यूटी की, तो जब इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई पाई टू, तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी आपको माइनस वन के ऊपर कितनी आ जाएगी, दैट नंबर। ठीक है, सो साइन पाई पाई टू 1 होता है तो ये हो जाएगा 2, और इसमें जब माइनस वन पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके सामने a प्लस बी माइनस वन और दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना, इसका जो मॉडुलस दिया वो कितना आ गया 2, हमसे a प्लस बी पूछा है तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऐसे ही 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस 1 का जो मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमसे तो a प्लस बी का सम ही पूछा आई थिंक, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाएगा नीचे वाले से, क्योंकि 0 तभी होगा जब 0 के साथ खुलेगा और a प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस वन, और इस तरीके से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्योंकि ये 1 के ऊपर था और वो माइनस 1 के ऊपर था, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया, तो आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि लेट दिस विल बी डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये लिमिट एल है, देन एल इज इक्वल टू, ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, मीन्स इसकी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमें एल की वैल्यू बतानी है। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, ठीक है, अगर हम दोनों लिमिट्स की बात करें, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए क्यों कर रहे हैं दोनों, क्योंकि मॉड आ रहा है, ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो हमें दोनों को करना ही पड़ेगा। जीरो माइनस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, या पहले जीरो प्लस के ऊपर अगर बात करें, तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा और उससे ये कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो ऊपर तो बचेगा वन और डिवाइड बाई, नीचे बचेगा आपके सामने जीरो, पॉजिटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा, सो वन अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू एल। ऐसे ही आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस की बात करनी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस के ऊपर देगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो माइनस पर ये खुलेगा माइनस साइन के साथ में, लेकिन पुट जीरो ही करना है तो वो जीरो ही हो जाएगा आपका, लेकिन डिवाइड बाई नीचे आपके सामने ये तो लैम्डा ही रहेगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लेकिन इस बार ये जीरो नहीं होगी, ये आपका माइनस वन आएगा और दैट विल बी इक्वल टू एल। और अगर आपके सामने ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, और अगर दोनों लिमिट सेम है तो यहाँ से आपको मिलेगा वन बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा माइनस वन। तो यहाँ से देखिए लैम्डा की आपके सामने दो वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, तो एक से तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा और दूसरी वैल्यू से आपको आंसर मिलेगा जब आप लैम्डा को, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो एक बार तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस वन और एक बार लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस वन, तो दूसरे वाले से जो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी दैट इज वन बाई टू, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी टू, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, LHL और RHL को आपको सेम करना था। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, हमें इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, और इस लिमिट की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव पे बात करनी है हमें सिर्फ, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए जीरो पॉजिटिव के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने कॉस इनवर्स वाली किधर अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ, और साइन इनवर्स वाली जो है वो भी किधर अप्रोच कर रही है, तो वो भी आपकी जीरो पॉजिटिव के ऊपर ये कितना हो जाएगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंपल बन जाएगा आपके सामने, तो ये तो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स, और डिवाइड बाई नीचे से अगर मैं एक्स को बाहर कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो पीछे बचेगा आपके सामने वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर जीरो पॉजिटिव पर, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए जब इसके लिमिट की बात करेंगे तो इसकी लिमिट तो कितनी होगी एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, वन, और बाकी जो वैल्यूज है वो आपके सामने एक फाइनाइट वैल्यूज है, तो वन इंटू कॉस इनवर्स जीरो होता है पाई पाई टू और डिवाइड बाई वन माइनस जीरो, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा दैट इज पाई पाई टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है कि लेट एफ आर से आर बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन, एक फंक्शन डिफाइंड है साइन ए प्लस वन एक्स प्लस दिस, और ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है, अगेन ए प्लस बी निकालना है, तो वापस वही तरीका, ठीक है, अगर आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है और अगर ये कंटिन्यूस है फंक्शन, तो सबसे पहले LHL और RHL सेम होनी चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या कंडीशन मिल रही है, जब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो साइन ए प्लस वन इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये टर्म आपकी किधर अप्रोच कर रही है, ये टर्म आपकी अप्रोच कर रही है जीरो की तरफ, तो साइन को हटा सकते हो, तो ये बनेगा सिंपल ए प्लस वन टाइम एक्स डिवाइड बाई टू एक्स, प्लस इसके अंदर भी ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है 2x डिवाइड बाई 2x,
तो ये कट जाएगा x, यहाँ से 2x से 2x पूरा कट जाएगा, तो a प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा, b के, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको नीचे वाली लिमिट को निकालना है, नीचे वाली को निकालने के लिए आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने डिफरेंस के फॉर्मेट में सीधा कुछ नहीं हटेगा, रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आएगा x प्लस बी एक्स क्यूब माइनस x, रूट हट जाएगा, डिवाइड बाई नीचे है b इंटू एक्स टू दी पावर 5 बाई 2, ठीक है, और साथ में आएगा आपके सामने यहां पर रूट के अंदर 1 अपॉन x प्लस बी एक्स क्यूब का रूट, और साथ में आएगा प्लस रूट एक्स, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, x से x कट जाएगा, अब आपके सामने ऊपर तो बचा कितना बी एक्स क्यूब, और नीचे बचेगा बी एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस दिस, लिमिट कौन सी है x टेंडिंग टू 0, तो यहां पर जो लोवेस्ट टर्म है वो आपकी डोमिनेटिंग रहती है, ठीक है, तो इसमें से आपके सामने जो लोवेस्ट टर्म है वो कौन सी है x, तो रूट एक्स वाली टर्म डोमिनेटिंग रहेगी, और रूट एक्स और रूट एक्स यहाँ से मिलकर 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगी, तो 2 रूट एक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा x क्यूब, तो आपके सामने सिंपल ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा बी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 बी एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट एक्स आएगा, रूट एक्स यहाँ से और रूट एक्स यहाँ से, और ये चीजें ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी टर्म कब डोमिनेटिंग होती है, एक्सटेंडिंग टू 0 पर लोएस्ट पावर वाली पॉलिनोमियल में डोमिनेटिंग होती है, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हाइएस्ट पावर वाली। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2, तो यहाँ से ये भी बी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, और b की वैल्यू जो 1 बाई 2 पुट करेंगे तो देखिए a कितना आएगा, तो a प्लस 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो a आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस 1, तो a माइनस 1 है, और b की वैल्यू कितनी है आपके सामने 1 बाई 2, हमने कैलकुलेशन सही की, एक बार दोबारा चेक करें, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस 3 विल बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू माइनस 2 आएगी, ठीक है, a की वैल्यू माइनस 2 और b की वैल्यू 1 बाई 2, तो दोनों का जब सम करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3 बाई 2, दैट इज थर्ड ऑप्शन, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक फंक्शन दिया है एफ आर से आर एंड जी बी आर से आर कैन बी डिफाइंड एज एफ आर से आर में है जी आर से आर में है एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर वेयर एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू, तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स आपको देखना है कि कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस का पहले ग्राफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर पुट होगा, ठीक है, तो पहले एफ एक्स की बात करते हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ, जब x 0 से छोटा है तो आपके सामने एक लाइन बनेगी दैट इज x प्लस 2, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 है, और पॉजिटिव स्लोप मीन्स ऐसी लाइन आएगी 0,2 तक, इसी के साथ x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है व्हेन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया आपका fx का ग्राफ, ऐसे ही gx का ग्राफ बनाइए, जब x 1 से छोटा है तो x क्यूब का ग्राफ, और x क्यूब का ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके से जब 1 से छोटा है, और जब 1 से बड़ा है तब ये होगा 3x माइनस 2, और जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है, और ये माइनस 2 पर ये आपकी x इक्वल टू 1 पर ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो यहीं से ही शुरू होगा, और आपकी ऐसी एक लाइन आएगी अगेन पॉजिटिव स्लोप की, तो ये ग्राफ है आपका किसका जी एक्स का, और ये पॉइंट 1 पर कितना है 1। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको f ऑफ जी एक्स निकालना है, मीन्स आपको f के अंदर g को पुट करना है, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में आपको इस फंक्शन को पुट करना है, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं g को पुट करना है, तो इसी की डोमेन देखेंगे, सबसे पहले अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और अगर 1 तक की बात करें तो ये रेंज क्या देगा वो इसके अंदर पुट की जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये रेंज देगा आपको, कहां से कहां तक, ये आपको देगा 0 माइनस इन्फिनिटी से लेके अगेन 1 तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की वैल्यू कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 1 तक ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, और 0 से 1 की वैल्यूज ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर है,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि माइनस इनफिनिटी से जीरो तक की, तो माइनस इनफिनिटी से जीरो तक की तो आपको इसी में पुट करनी है, ठीक है। या हम इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट है आपका माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू तक की अगर हम इसमें बात करें वैल्यूज जब पुट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको ये सिर्फ पहले वाला फंक्शन ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब माइनस टू से लेकर के अगर हम आगे चले जीरो तक, तो माइनस टू से लेकर जीरो तक ये क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, वो भी आपका यही फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि माइनस टू से जीरो में ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और माइनस टू से जीरो के अंदर इस वाले फंक्शन के अंदर अगर डोमेन की बात करें तो माइनस टू से जीरो में वही फंक्शन है जो पहले था। अब जीरो से वन के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और जीरो से वन के अंदर ये जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आपके सामने कौन सा फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जीरो से वन के अंदर जीरो से वन रेंज इसकी भी है, और जीरो से वन जो आपके सामने रेंज है वो दोनों की आ रही है, ठीक है ना, जीरो से वन रेंज दोनों में। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, कि एक्स लेस देन जीरो की बात करें अगर हम सबसे पहले, ठीक है ना, एक्स लेस देन जीरो, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। एक्स लेस देन जीरो की एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है वो पहले वाले में पुट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू। अब एक कंफ्यूजन, अगर जीरो से वन का रहता है तो एक सिंपल सा काम करें, यहाँ पर पुट करें जीरो से वन, तो ये कोई भी नंबर, तो ये जीरो से वन में वन बाई एट होगा। अब आपको ये देखना है कि वन बाई एट इसमें किस में पुट किया जाएगा, तो दिखाई दे रहा है कि वन बाई एट दूसरे वाले में पुट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन है आपकी वन बाई एट, ठीक है, आपके सामने, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो तक के तो जो भी नंबर्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आ रहे थे, वो उसके अंदर आ रहे थे। अच्छा, वहां पर एक चीज और, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर x इक्वल टू जीरो की हम बात करें, तो x इक्वल टू जीरो पर ये जीरो था, ठीक है, और जीरो आपके सामने कौन सा एक्सेप्ट कर रहा था, नीचे वाला, ठीक है, तो वो क्लोज ब्रैकेट उस हिसाब से आ जाएगा। उसके जस्ट अगर नीचे वाले पॉइंट के अंदर हम बात करें, जैसे x इक्वल टू माइनस वन बाई टू पर, तो माइनस वन बाई टू पर ये क्या दे रहा था, माइनस वन बाई एट, और माइनस वन बाई एट आपके सामने किसकी डोमेन थी, वो पीछे वाले की थी। तो ये रहेगा आपका x लेस देन जीरो। अब बात करें जीरो से लेके वन तक की, तो जीरो से वन के अंदर अगर हम बात करें तो जीरो से वन के अंदर ये नंबर देगा जीरो से वन, और जो नीचे वाले में जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर सिक्स। अब वन से बड़े नंबर की अगर बात करें तो वन से बड़े नंबर के लिए फंक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है, और ये फंक्शन है, और ये वैल्यू आपको वन से बड़ी देगा, और वन से बड़ी यही नीचे वाला लेगा, तो नीचे वाले में पुट करना है कितना आपको, थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर व्हेन एक्स विल बी ग्रेटर देन वन। तो ये है आपका क्या फंक्शन। आप बात करें कि ये फंक्शन आपको कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो पहले कंटिन्यूटी की बात करें तो x इक्वल टू जीरो पर ये इसकी वैल्यू टू आ रही है, इसकी वैल्यू सिक्स आ रही है, तो एक तो x इक्वल टू जीरो पर भी आपका कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसके अलावा अगर हम बात करें x इक्वल टू वन पर, तो वन पर ये भी वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो होगी कंटिन्यूटी की बात, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर तो नॉन कंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी आएगा, ठीक है। अब अगर वन के ऊपर अगर हम बात करें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सिक्स इंटू एक्स टू दी पावर फाइव, और वन पुट करेंगे तो आ जाएगा सिक्स, और यहाँ पर आएगा आपके सामने टू टाइम थ्री एक्स माइनस टू और इंटू थ्री, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी सिक्स, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। और सिर्फ यही दो पॉइंट्स थे हमारे सामने, एक तो वन और दूसरा जीरो, जहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत थी, तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, अगेन एक लिमिट है और वो लिमिट आपको कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए ई की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू टू, और आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसी क्वेश्चंस को, सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सपेंशन लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन से ये आपका इजिली सॉल्व होगा। एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो साइन एक्स को तो एक्स लिख दीजिए, तो नीचे से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपके सामने ए, और एक्स स्क्वायर तक ही करना है आपको, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस बी कॉस एक्स के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, इसी के साथ में सी ई की पावर एक्स के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस बनेगी, लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सब जगह पे पॉजिटिव है और सब में बाई में फैक्टोरियल 2 आ रहा है और मेरे को ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो मेरा काम यहीं से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, और नीचे से एक्स स्क्वायर वो कट जाएगा और ये लिमिट के इक्वल होगा, दैट इज 2। और इसके अलावा जो बाकी जो छोटे वाले कोफिशिएंट्स है ना, वो उन सबको 0 होना होगा, ठीक है। बट उस सबको अभी यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, और हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 4। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप चाहो तो निकाल सकते हो ए बी, एक्स का कोफिशिएंट 0 करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को 0 करेंगे और एक कंडीशन ये, तीनों को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी इंडिविजुअली भी आ जाएंगे। अच्छा, वो 0 क्यों होंगे? क्योंकि वो 0 जब होंगे ना तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये एक्स स्क्वायर कैसे हो गया डिनोमिनेटर? क्योंकि साइन एक्स का जो अंदर का आर्ग्यूमेंट था वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो हमने साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया लेट एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग द फंक्शन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन हमारे सामने कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन कब आता है? जब हमारे सामने एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, एडिशन आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या ये कहें कि प्रोडक्ट एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो ए टू दी पावर के एक्स टाइप का होगा, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है वहां पर। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 3 है, तो आपको ये लिमिट निकालनी है। तो चलिए बात करते हैं एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया पहले तो एफ डैश एक्स, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे सामने के टाइम ए टू दी पावर के एक्स, पावर में है तो साथ में ln a भी आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में जब होता है तो डिफ्रेंशिएशन में लॉग भी आता है। इसमें 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा k इंटू ln a, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 अपॉन ln a। k की जगह पर ये पुट कर दे तो देखिए आपको फंक्शन क्या मिलेगा, आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स विल बी इक्वल टू, k की जगह पर ये पुट करेंगे तो ये बनेगा a की पावर 3x डिवाइड बाई ln a, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, तो आपको ये लिमिट निकालनी है f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। तो चलिए बात करते हैं, f ऑफ h का मतलब हुआ 3h अपॉन ln a, a की पावर, साथ में है यहाँ पर माइनस 1 और डिवाइड बाई h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी e की पावर के लिए, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x जब होता है और अगर अंदर वाला आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर देखिए h जब 0 पुट करोगे तो ये 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, ठीक है। तो सिर्फ इस x को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, लेकिन वो तब होता है जब e होता है, अगर a होता है तो साथ में एक log a और आ जाएगा और कुछ नया चेंज नहीं होगा। 3h अपॉन ln a तो रहेगा ही, साथ में एक ln a और आ जाएगा, और डिवाइड बाई h, तो ln a से ln a चला जाएगा, h से h चला जाएगा। तो आपसे इस लिमिट की वैल्यू पूछी थी, सो ये किसके इक्वल आ जाएगी? आपकी 3 के इक्वल आ जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। बहुत सिंपल तरीका है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया सपोज अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स विल बी इक्वल टू 1 है, तो एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर हम डेफिनेशन से बात करें, डिफरेंशियबिलिटी वाली डेफिनेशन से, तो एफ डैश 3 किसके इक्वल होगा? एफ डैश ऑफ 3 इक्वल होगा आपका एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही डेफिनेशन होती है। इसके अंदर अप्लाई कीजिए f ऑफ 3 प्लस h, यहां से कितना आ जाएगा? तो f ऑफ 3 प्लस f ऑफ h प्लस 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 इंटू h डिवाइड बाई h। f ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर f ऑफ 3 प्लस f ऑफ h प्लस 3h स्क्वायर प्लस 9h डिवाइड बाई h, और ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई है। तो चलिए बात करते हैं, अच्छा माइनस f ऑफ 3 भी है यहाँ पे, हाँ मैं सोच रहा था तभी ये कहाँ जाएगा, तो इससे ये तो कट जाएगा,
और बाकी देखिए सारी लिमिट आ जाएगी। एफ एच बाई एच की लिमिट कितनी है, 1 दे रखी है, तो पहले वाली टर्म 1 हो जाएगी, प्लस इसके अंदर एक एच ऊपर बच जाएगा, तो एच से एच कट जाएगा, तो एक एच ऊपर रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर। और यहाँ पर आपके सामने 9h है, तो h से h कट के कितना बचेगा, 9, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना है आपका, 10। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक फंक्शन दिया है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, और आपको बोला गया है कि -10 से लेके 10 के बीच में द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी होगी। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करेगी, ग्रेटेस्ट पे, क्योंकि ग्रेटेस्ट की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो अगर x का इंटरवल ये है तो x बाई 2 का इंटरवल क्या होगा, -5 से 5 के बीच में, और इसके ऊपर जब आप ग्रेटेस्ट अप्लाई करेंगे -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5, तो आपको कौन कौन से इंटीजर्स मिलेंगे, तो आपको इंटीजर्स मिलेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे -5 से जब -4 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू -5 होगी, फिर -4, -3, -2, -1, अच्छा ये 5 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स होंगे, क्लियर है। लेकिन देखिए जब x की वैल्यू आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, मीन्स जब जब ये इंटरवल बनेगा आपके सामने, ठीक है, तो ये इन सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कैसा रहेगा आपका, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और अगर इन सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है और बाहर मल्टीप्लीकेशन में x है, तो उस x की वजह से क्या हो सकता है आपका, ठीक है, उसकी वजह से कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स के ऊपर तो वो आपको कोई ना कोई दूसरी वैल्यू देगा, तो वो उसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x आपका कहाँ से कहाँ पर होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, x बाई 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, या ये कहेंगे वहां पर वो 0 से 2 के बीच में होगा, तो आपके दो इंटीजर्स वहां से हट जाएंगे, ठीक है, और आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ऐसे अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि -10 से 10 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो सारे होंगे, लेकिन सब पर नहीं होगा। देखिए -10 से लेकर के जब आप -8 तक चलेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा वहां पर, और दैट इज -8, ठीक है ना, -8 से पहले आपको कोई सा भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट होगा आपका -8, ऐसे फिर आएगा -6, ठीक है ना, दो दो के डिफरेंस में, फिर आएगा -4 और फिर आएगा -2, ठीक है ना, ये पॉइंट्स होंगे जहां पर आपका फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसके बाद में 0 पर होगा नहीं, फिर शुरू होंगे 2, 4, 6 और 8, ये सारे। अच्छा यहाँ पर देखिए -5 आ रहा है वैल्यू, लेकिन वो कौन से पॉइंट के ऊपर आपके पास सामने डिसकंटिन्यूअस होगा, वो -8 पे होगा, क्योंकि -8 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, उसकी वैल्यू -4 हो रही होगी, और जब वो -4 था उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि -5 तो आपके सामने उस इंटरवल की वैल्यू आई है वो पूरी की पूरी, ठीक है। अच्छा 0 क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पर बाहर मल्टीप्लीकेशन है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये फंक्शन कैसा होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस विल बी इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b। ये भी देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, ए एक्स माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 डिवाइड बाई दिस, और इसकी लिमिट की वैल्यू दे रखी है आपको b, ठीक है, तो ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस बार देखिए आप नीचे वाले को तो 4x लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर क्या है आपके सामने, ऊपर वाले के अंदर वो आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, और ऐसा काम हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो नीचे वाले को 4x लिख दे तो ऊपर तो बनेगा ax, लेकिन उसी से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए माइनस e की पावर 4x माइनस 1, और साथ में नीचे से आ जाएगा ax इंटू 4x। देखिए कैसे हो जाएगा इजी, ax और उसको एक्सपेंड कर दिया, 1 माइनस
4x, x स्क्वायर है तो हमें x स्क्वायर तक जाना है, माइनस 4 प्लस 4x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एंड प्लस 4x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और साथ में माइनस 1, e की पावर 4x माइनस 1 है तो साथ में माइनस 1 और डिवाइड बाई 4ax स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, प्लस 1 से माइनस 1 तो कट जाएगा। सबसे पहले तो x का कोएफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 4, ठीक है। इसी के साथ में आपको इसके लिमिट की वैल्यू b दी गई है, तो ये b के इक्वलेंट है, तो जैसे ही a की वैल्यू 4 होगी तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ से आएगा आपका 16/2 और साथ में आपके सामने नीचे कितना है, नीचे है आपके सामने 4ax स्क्वायर था, ठीक है, तो नीचे से आएगा आपके सामने 4a और ये किसके इक्वलेंट है, ये दिया हुआ है आपको b के इक्वलेंट, a की वैल्यू 4 दी गई है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 2b की वैल्यू आ गई 1, सो 2b की वैल्यू 1 है और a 4 था, सो 4 माइनस 1 का जो डिफरेंस है आपका वो कितना हो जाएगा 3 और आपका जो सही आंसर है यहाँ पर वो भी कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। बस ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनका यूज कीजिए आप क्वेश्चन में, इससे आपके लिमिट के क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको बोला गया है कि एफ आर से आर में एक ये फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ डबल डैश जीरो इज एग्जिस्ट। देखिए एफ डबल डैश जीरो अगर एग्जिस्ट करेगा तो देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से एक टर्म पे बहुत अच्छे से ऐसे गौर करना है और ध्यान देना है। देखिए जब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 5 दिया गया है तो इसका डबल डेरिवेटिव होकर के भी मैक्सिमम कितना आ सकता है, एक्स क्यूब, और इधर आपके सामने साइन 1/x के अंदर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मैक्सिमम आपके सामने कितना आ सकता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, 1/x और 1/x के बाद में माइनस का 1/x स्क्वायर, क्लियर। तो ये वाली जो टर्म्स है ना ये तो क्वेश्चन में रहेगी ही रहेगी, साथ में x का मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा, तो आपको इन दोनों को डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से तो आपका जीरो ही आना है, चाहो तो आप करके देख सकते हो, आपको सिंपल इन दोनों का डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव पहली बार करेंगे तो आएगा 10x विल बी इक्वल टू, इधर से आएगा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10x, इसका करेंगे तो 2 टाइम लैम्डा x, और एक बार फिर से किया तो इस इधर आएगा 10 और इधर आएगा 2 लैम्डा और आपकी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल, क्योंकि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, क्लियर है। जब यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, तभी इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई दूसरा नंबर हो जाएगा तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएगी वैल्यूज, और अगर डिफरेंट हो गई तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप ये कहेंगे कि हमने इसको क्वेश्चन से क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में एक्स बचेगा और एक्स जब जीरो पुट करोगे आप वहां पर, ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो के ऊपर आपके सामने क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी और x इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू भी आपको जीरो दी गई है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, और देखिए ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब भी कोई भी आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करते हो तो बड़े अच्छे से किया करो, जेई मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसके, देखिए फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। सबसे पहले तो ऊपर बनेगा 1 cos x² / 2 और ये भी बनेगा 1 cos x² / 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा डिवाइड बाई x की पावर 8। देखिए दो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में और वही फॉर्मेट है 1 cos थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² / 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, x² / 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई x की पावर 8। देखिए कितना काम आता है वो फॉर्मूला, ठीक है, बस ध्यान ये है कि इसका आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत बार बार मैं क्लिक कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो नंबर है ये आपका जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तब आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पर कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं तो ये जीरो की तरफ अप्रोच नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको इसको नहीं लगाना है। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया है, x की पावर 4, 4 8 तो कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1/2³, यहाँ पर आएगा 16 × 2 = 32, 1/2 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा देखिए,
ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 8, और ये दे रखा है 2 की पावर माइनस के के इक्वल, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। क्लियर है? और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो चलिए बात करते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें आपको बोला गया है कि इफ द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द डोमेन, देन एफ ऑफ जीरो इज 1/k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये भी देखिए सिंपल है, सभी पॉइंट्स पर है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है, तो x इक्वल टू जीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू जीरो पर अगर हम बात करें तो cos sin x माइनस cos x डिवाइड बाई x की पावर 4। देखिए यहां पर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर जब आप पुट करेंगे तो फिलहाल इस केस में नहीं हो रहा है, लेकिन हम एक काम कर देते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं कि इसका cos c माइनस cos d का। अब इससे हमारा काम इजी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2, 2 टाइम cos नहीं sin, cos में जब डिफरेंस होता है तो sin आ जाता है, दैट इज sin x प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू sin d माइनस c, दैट इज x माइनस sin x डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई x की पावर 4। अब देखिए बात करते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट x इक्वल टू जीरो पर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है पूरे साइन का, और ऐसे इसमें हो रहा है ये पूरा का पूरा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बाहर वाले साइन को हटा दीजिए, बाहर वाले को हटाएंगे तो ये बनेगा 2 टाइम साइन x प्लस x डिवाइड बाई 2, और यहां पर आ जाएगा x माइनस साइन x डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई x की पावर, ठीक है ना, पूरे के डिवाइड में x की पावर 4 है, तो देखिए एक 2 से 2 भी कट जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है, एक जगह पर है sin x plus x, दूसरी जगह पर है x minus sin x और divide by 2 into x की पावर 4। तो देखिए इसके अंदर तो आपके सामने क्योंकि एडिशन होगा और इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इसमें तो x से x कट जाएगा, मींस मिनिमम नंबर x क्यूब आएगा और इसमें मिनिमम नंबर x आएगा, तो ऊपर वाले में तो कितना आएगा, ऊपर वाले में तो बचेगा 2x divide by x, ठीक है, एक एक्स को इसके नीचे ले लिया तो बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसके अंदर एक्स एक्स कट जाएगा तो पीछे बचेगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और नीचे आपके सामने कितना बचेगा, एक्स क्यूब, और इसके अलावा जो टर्म होगी उसमें एक्स की पावर 3 से ज्यादा होगा तो वो सारे कट जाएंगे, और डिवाइड में आपके सामने क्या है, एक 1/2 बचा हुआ है, ठीक है ना, ये सारी चीजें रही हुई है। तो देखिए कितना आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। अब आपको क्या बोला गया है कि अगर ये सारी सभी पॉइंट्स पर ऐसा है और f ऑफ जीरो की वैल्यू 1/k के इक्वल है, मींस ये जो लिमिट आ रही है आपके सामने ये इसके इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 6। क्लियर है? आई थिंक इसी के साथ आपकी आज की पीपीटी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो ये था हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हमने कितने इजीली कितने आराम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट गुरुनीति के बारे में, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।